नाबालिग असिस्टेंट से रेप के आरोपी जॉनी मास्टर से बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड छीन लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रविवार को इसकी जानकारी दी। जॉनी के खिलाफ उनकी असिस्टेंट रही लड़की ने 15 सितंबर को तेलंगाना के साइबराबाद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। जॉनी मास्टर को साल 2022 में रिलीज हुई धनुष की फिल्म तिरुचित्रम्बालम के गाने मेघम करुकथा का डांस कोरियोग्राफ करने के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। इस गाने को उन्होंने सतीश कृष्णन के साथ कोरियोग्राफ किया। उन्होंने श्री टू के गाने आई नहीं और पुष्पा के गाने श्रीवली को भी कोरियोग्राफ किया था। जॉनी मास्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाली लड़की का आरोप है कि उन्होंने चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में अलग अलग प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान उनका यौन शोषण किया। साथ ही हैदराबाद स्थित अपने घर पर भी कई बार अब्यूज किया गया। लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2017 में एक इवेंट में उसकी मुलाकात जॉनी मास्टर से हुई थी। 2 साल बाद जॉनी ने उसे अपने असिस्टेंट कोरियोग्राफर की जॉब ऑफर की जो उसने मंजूर कर ली। इसके बाद मुंबई में हुई एक शो के दौरान जॉनी ने होटल में उसे सेक्सुअली हैरेस किया। लड़की का आरोप है कि इसके बाद जॉनी लगातार डरा धमका कर उसका शोषण किया करते हैं। वे उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, वे एक बार उसे अपने घर में भी ले गए जहां जॉनी और उनकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की थी। ये मामला सबसे पहले तेलंगाना वुमन सेफ्टी विंग की DG शिखा गोयल ने उठाया था। उन्होंने ही पीड़ित को पुलिस कंप्लेन करने का सुझाव दिया था। जॉनी से पहले भी 2015 में एक विवाद के चलते 6 महीनों के लिए जेल जा चुके हैं।